हेलो जी एंड वेलकम बैक टू द चैनल भाई। ये है हमारा फर्स्ट एपिसोड हमारी लेह लद्दाख जर्नी का। सो करेंटली मैं वेट कर रहा हूँ पानीपत टोल टैक्स पर अपने फ्रेंड का जो हमारा इस ट्रिप पर पार्टनर रहने वाला है। जैसे ही वो आता है तो भाई उससे मिलवाते हैं एंड फुली प्रिपेयर्ड एम ऑल सेट टू लीव। सारी रेड तैयारी हो चुकी है, सुपर एक्साइटेड। सुबह के 4 बज रहे हैं भाई एंड यहाँ से आज का फर्स्ट स्टॉप होने वाला है हमारा मनाली, जो कि हमें ऑलमोस्ट 9-10 घंटे लगेंगे डिपेंडिंग ऑन ट्रैफिक कंडीशंस। बाकी जैसे जैसे दिन चलेगा आपको मैं अपडेट करता जाऊँगा। फिलहाल मेरा दोस्त आता है तो मिलवाता हूँ। दोस्त की गाड़ी ऑलरेडी मेरे चैनल पे एक बार आ चुकी है, बहुत ही स्पेशल जिमनी है भाई की जो उसने मॉडिफाई करवाई हुई है, तो वो भी आपको दिखाते हैं। सो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। मेरे पास भी रही थी कुछ टाइम, इसका एक डिटेल्ड रिव्यू भी देंगे आपको। क्या कह रहा है? हाँ वही लेफ्ट साइड वाला जो है। तो भाई अपने पास एक और वॉकी आ गया, इसकी रेंज मेरे वाले से भी ज्यादा है। ये 5 मतलब इसका रेंज ज्यादा है, ब्रूट फोर्स के ही है दोनों। मेरे वाले ये रखे, ये भाई ने दे दिया मेरे को, तो ये यूज कर रहे हैं फिलहाल। इस जिपनी में भी भाई आयरन मैन सस्पेंशन लगा हुआ है, बीएफ गुडरिच के टायर हैं, 2 इंच लिफ्टेड है, फुल सिस्टम एग्जॉस्ट है, K&N फिल्टर है, तो मतलब फुली लोडेड है भाई। ये भी बहुत फन टू ड्राइव गाड़ी है, ये भी काफी कैपेबल भी है। तो भाई पहला स्टॉप हमने लिया था नीलकंठ स्टार पे कॉफी ब्रेक। सुबह के टाइम बज गया भाई 5, अब सीधा निकलेंगे, ब्रेक निकलेंगे बार भाई से और मिलवा देते हैं। भाई ये जिमनी आप पहले भी देख चुके हो, ये अपने तरुण भाई। क्या हाल है तरुण भाई? वेलकम टू इंडिया है भाई, कल ही लैंड हुआ है दुबई से। और अपने पास बड़ी इंक्वायरी आ रही थी जिमनी के बारे में, तो भाई जिमनी मेरी नहीं थी भाई, भाई की थी। इसका एक डिटेल वीडियो भी अभी पहाड़ों में शूट करेंगे, भाई ने पूरा पैसा लगा रखा है उसके ऊपर, क्या क्या काम करवा रखा है भाई बताएगा डिटेल में। फिलहाल निकलते हैं और थोड़ा सा अपनी भाई कंपनी के बारे में और बताओ। बैक ऑन रोड जो अपना ट्रिप ऑर्गेनाइजर है आज का, तो भाई फिलहाल अपना ट्रिप इनके साथ ही होने वाला है। बैक ऑन रोड एक बार दिखा भी देता हूँ मैं नाम, इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हो इनको। किसी को इंक्वायरी है भाई ट्रिप पे जाना है, अकेले जाने में डर लगता है या गाड़ी नहीं है खुद की, तो साथ में बैठ के जाने का भी ऑप्शन रहता है, अलग अलग पैकेजेस है, आप कांटेक्ट कर लेना, मैं नंबर डाल दूंगा। ठीक है भाई चलें फिर, कैचो मीटर निकलते हैं अब। सो 5:40 हो गए हैं भाई, अम्बाला पहुँचने वाले हैं एंड बहुत जल्दी सनराइज होने लग गया आजकल। आसमान ना बड़ा सुंदर लग रहा है, स्काई लाइन साइड में से सनराइज भी होना स्टार्ट हो गया। जिमनी भाई अपने पीछे पीछे चल रही है बिल्कुल कैचम कैच, भाई ने पूरा पंजा दाब रखा है साथ में, एकदम प्रॉपर जैसे कॉन्वॉय चलना चाहिए। कॉन्वॉय तो नहीं कहूँगा, अभी 2 ही गाड़ियाँ हैं, बट मज़ा आ रहा है कुल मिला के ना, दोनों गाड़ियाँ साथ के साथ चल रही हैं। जो फीलिंग होती है ना एक ट्रिप स्टार्ट होने से पहले का, वो एडवेंचर होता है, वो महसूस हो रहा है अब। लो भाई सूर्य देवता भी अपने स्थान लेते हुए, दिन में गर्मी बहुत हो जाएगी तो जितना जल्दी पहाड़ों में पहुँच जाए उतना बेटर है, उबल जाएंगे। मनाली में वो फुली टेम्परेचर शाम से बेटर हो जाएगा, फिर गर्मी वाला फील ख़त्म हो जाएगी आज शाम से। तो चलते हैं अभी 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 हमारा प्लान है जितना रास्ता हो चुके खींचें, क्योंकि फिर ट्रैफिक आर स्टार्ट हो जाएंगे 8-9 बजे तक, फिर पीक ट्रैफिक स्टार्ट हो जाता है। अभी जितना रास्ता हम खींच सकते हैं अभी वो खींचते हैं, 2-3 घंटे बिल्कुल नॉन स्टॉप पेलम पे चलेगी गाड़ी। A few moments later. हाँ भाई ब्रेक ब्रूक लेना है यार,
बार करते हैं ब्रेक, चश्मे चश्मे निकाल लें। हाँ एक बार टंकी भी खाली कर लेंगे पेट की, फिर यही घुसा लो मैं वाले में घुसा लो। हाँ आगे वाले में रोक। सो भाई सेकंड स्टॉप लिया था यहाँ पर हवेली, अभी रूपनगर के पास है हम और 10-15 किलोमीटर रह गया रूपनगर यहाँ से। एक बार फोटो खींचेंगे भाई गाड़ी घुमा के, अच्छी लग रही है दोनों वाइट वाइट गाड़ियाँ ना, बी एफ गुडरिच स्टिकर्स, फोटो खींचेंगे रिवर्स करके। अब चेक करो, नॉर्मल जिमनी की हाइट इतनी नहीं होती भाई, ये लिफ्टेड है इसलिए फॉर्चुनर के इतनी पास आ रही है। नॉर्मल जिमनी हाइट होती तो बहुत छोटी लगती, पर अब दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर सी हाइट पे ही आ रखी है। खाओ पियो करो मौज मौज करने के लिए ये क्या वीडियो बनाई जा रही है। अच्छा आपके व्लॉग में छोटी छोटी चीजों का ना बहुत बड़ा पर्पज होता है। अब इसमें पत्थर पत्थरों कैसे निकालेगा आदमी, उंगली से लगा रहेगा ये पिछली 5 मिनट से अपना एंटीना सेट कर रहे हैं। इसका काम क्या है? ये वॉकी टॉकी के लिए होता है ये, बट हम सिर्फ शो के लिए यूज कर रहे हैं। मेन काम इसका वॉकी टॉकी कनेक्शन के सिग्नल के लिए होता है। इन्होंने 5 मिनट ये लगाने में लगाया जिसका कोई काम नहीं है। शो हवाबाजी हवाबाजी अच्छा लग रहा नहीं लग रहा? हाँ बेहतरीन। लुक एट दिस ब्यूटी एंड लुक एट दिस ब्यूटी। तो भाई एक फाइनल स्टॉप लिया था यार, स्टॉप क्या लंच करने का टाइम हो गया था, ऑफ लिमिट्स करके है ये, मेन रोड पे ही था। यहाँ से हमारी डेस्टिनेशन जहाँ से हमारा चेक इन है वो है भाई 1 घंटा और लगेगा यहाँ से, तो एक स्टॉप लिया था यहाँ पर। ये रहे हमारी दूसरी पार्टी। अब भाई कहीं नहीं रुकेंगे, सीधा चलेंगे। अब आ रही है क्योंकि नींद, 12 घंटे हो गए भाई घर से निकले हुए। अरे व्लॉगिंग तो शुरू ही अब करी है, अब आएगा ना असली मजा। एक जी हमारे साथ आज न्यूज रिपोर्टर भी चल रही है भाई ट्रिप पर। हम आपका अभी से 1 घंटे बाद मनाली में स्वागत करेंगे, तब तक हमारे साथ बने रहिए। प्लेन में कैबिन क्रू होता है, हमारे पास जिमनी क्रू है। तुम्हें भाई जिमनी भी दिखा देता हूँ इसी बहाने, इतनी देर से पीछे चल रहा हूँ और मतलब आगे चल रहा हूँ, कोई आगे गाड़ी देखते हैं कोई नहीं मिल रही, कम से कम ये चलेंगे थोड़ा व्यू तो दिखेगा। और सामने की वादियां भी चेक करो गाइस, ये सिर्फ एक ट्रेलर है, इन वादियों के लिए नहीं आए हम अभी भी। फिर मैं बता रहा हूँ जो हमने वादियां असली में देखनी है वो हमको 2 दिन बाद दिखाई देंगी। हाँ जी ठीक है, बाकी अब होटल चल के दिखाते हैं आपको, बड़ी अच्छी प्रॉपर्टी भाई कह रहा है, वहाँ करवाया अरेंजमेंट, चल के देखते हैं। आए यादों का ही है सफर, तू भी चुन ले मुझे हम सफर, है खुदा मेहरबान जो अगर खिल ही जाएगा दिल का नगर। जैसे जैसे मनाली के पास पहुंचते जा रहे हैं भाई, वेदर चेक करो, बारिश का मौसम बनता जा रहा है और पॉसिबिलिटीज है भाई हमें स्नो भी अच्छी खासी मिल सकती है ऊपर पासेस पे, जैसे शिंकुला वगैरह जो टॉप है वहाँ पे स्नो के भी भाई चांसेस हैं पूरे पूरे मिलने के। जैसे बट मनाली पहुंच रहे हैं, वेदर प्रेजेंट होता जा रहा है। हाँ ये यादों का ही है सफर, तू भी चुन ले मुझे हम सफर, है खुदा मेहरबान जो अगर खिल ही जाएगा दिल का नगर। Later that same evening. देखना भाई गाड़ी में घूमने के लिए आए थे यहाँ, देखना कहाँ चलवा रहे हैं। पर नहीं जगह अच्छी है, व्यू बढ़िया आ रहा है। कार हमने भाई कर दी है पार्क, वहाँ से अब वॉकिंग डिस्टेंस पे चले हुए हैं, देखते हैं कहाँ पहुँचते हैं। बगीचों के बीच में से घूम रहे हैं, देखो इतना सीनिक व्यू मिलेगा कहीं घूम जाने के लिए। फॉलोअर्स बढ़ाने की निंजा टेक्निक इनके पास है और उनके पास है। पास नहीं है, हिंदुस्तान डेस्परेट देश है, यहाँ लड़की यूजर नेम बताती है अपने आप फॉलो कर देते हैं लोग। सुन रहे हैं आप लोग, सुनिए अभी तो तेरी ऑफिशियली वीडियो में सिर्फ आवाज सुनाई है, आवाज से ही फॉलोवर बढ़ा देंगे तेरी, शक्ल दिखाएंगे। मैं कह रही हूँ सुनो, एक दो व्लॉग्स में ना सिर्फ ऐसे मनाली में आपका स्वागत है। पागल औरत, तुझे अक्ल है?
सो भाई पहुंच गए थे होटल, आके मैं तो यार सो गया था, शक्ल से लग ही रहा होगा तो इसलिए कोई वीडियो नहीं बनाई। आपको व्यू दिखाता हूँ रूम से, बहुत ही भाई सुंदर सुंदर शानदार प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट पार्ट में आपको इसका वॉक अराउंड देंगे, फिलहाल आपको मैं बस व्यू दिखाता हूँ। ये चेक करो, चेक दिस आउट, भाई क्या शांति है यहाँ पर एकदम। ये प्रॉपर जंगल एरिया है सारा, काफ़ी सारे पेट्स भी हैं यहाँ पर, देख सकते हो 1 2 3 एकदम होम स्टे वाली वाइब है यहाँ पर, कोई होटल टूरिस्ट वाली वाइब नहीं है, बड़ा ही हिडन सा प्लेस है। मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा डिटेल्स भाई, किसी को यहाँ आने में इंटरेस्टेड हो तो। और नेक्स्ट वीडियो जो अपनी आएगी उसके अंदर यहाँ का वॉक अराउंड देंगे, काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं यहाँ पर दिखाने को, वो अगले पार्ट में दिखाएंगे। फ़िलहाल वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, आज और कल का स्टे हमारा मनाली में रहेगा, क्योंकि कुछ और लोग हैं जो हमारे साथ ट्रिप पे जा रहे हैं, वो हमें कल ज्वाइन करेंगे, तो एक रात उनको भी मतलब रेस्ट के लिए और एक्लेमेटाइज करने के लिए चाहिए। परसों से हमारा जर्नी स्टार्ट हो जाएगी संस्कार की, सो आज हम मनाली चिल करेंगे, कल भी मनाली चिल करेंगे, कल से हमारी बुकिंग कहीं और है, बट 2 दिन अब हम मनाली में रहेंगे, परसों से हमारी जर्नी स्टार्ट रहेगी संस्कार की। सो आज की वीडियो के लिए ये बहुत है, आप इस व्यू के साथ वीडियो को यहाँ ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो भाई लाइक ज़रूर करनी है, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करना है, डेली अपडेट्स के लिए इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कर लेना। अलविदा। खाओ पियो करो मौज मौज, मिलते ना है मौके रोज रोज, खाओ पियो करो मौज मौज, मिले ना जो लो तुम खोज खोज, ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा।